रामेश्वर में 28वीं 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ किया गया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। कोरोना के चलते 2 वर्ष बाद आयोजित हुए निमाड़ उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि निमाड़ उत्सव में स्थानीयता को महत्व दिया जाए। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी को देवी अहिल्या सम्मान दिया गया। तिलक राम जी बुनाई के साथ लकड़ी के विभिन्न तो लोक गायिका मालिनी अवस्थी को यहां पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें 28वें निमाड़ उत्सव का शुभारंभ, यहां पर 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का शुभारंभ किया गया और आयोजन किया जा रहा है। यहां पर तमाम कलाकार जो है अपने प्रस्तुति देने पहुंचे थे और इस दौरान आपको बता दें कि लोक गायिका को सम्मानित भी किया गया। इस बीच मंत्री उषा ठाकुर ने शुभारंभ किया और कहा कि सरकार की ये उद्देश्य है कि स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाए। इस बीच लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सम्मानित किया गया। तो रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निमाड़ उत्सव बड़े ही धूमधाम से शुरू किया गया, धूमधाम से 3 दिनों तक इसे मनाया जाएगा। मंत्री उषा ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है और लोक गायिका मालिनी अवस्थी को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। मंत्री उषा का कहना है कि सरकार का ये उद्देश्य है कि स्थानीयता को प्राथमिकता दी जाए। संस्कृति विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय देवी अहिल्या बाई सम्मान से सम्मानित किया गया और वो भी देवी अहिल्या बाई की धरती निमाड़ की महेश्वर में माँ नर्मदा के तट पर आज मुझे ये सम्मान दिया गया मंत्री संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। सम्मान तो मिलना कलाकार का भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, गुरु कृपा होती है, पूर्वजों की कृपा होती है, लेकिन जिन महान विभूति के नाम पर यह सम्मान है देवी अहिल्या बाई, उनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करती हूँ। संस्कृति